हेलो स्टूडेंट, नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। हम प्रीवियस 10 ईयर एमसीक्यू डिस्कशन में आज का जो टॉपिक है बेटा, वो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। हियर इज द आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच इज डज नॉट एग्जिस्ट। कह रहे हैं कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो बेटा हम आपको बता दें कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 2। क्लियर? तो बेटा Hg2 कितना हो जाएगा? 4। अगर इसकी हम बॉन्डिंग की बात करें तो आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर होता है इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है। तो करते हैं, अगर इसका कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये होगा 1s2, 1s star, ये हो जाएगा 2। क्लियर? तो ये हो गया क्या बेटा, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया, 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, और जब दोनों को वो करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। क्लियर? तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, मतलब Hg2 है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सारे मॉलिक्यूल करेंगे। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव द 0 डाइपोल मोमेंट। ओके, कह रहा है कि इसमें से कौन सा होगा जिसके पास 0 डायपोल मोमेंट होगा। तो ओके, देखते हैं अमोनिया। अमोनिया का फिगर क्या होगा? ये होगा बेटा, ओके, इसको हम क्या करते हैं, एलोबरेट करके बनाएं। तो ये हो गया अमोनिया। क्लियर? एच एच एच, ठीक है। अगर इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, देन इधर होगा, एंड देन इधर होगा, और ये जो लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर इसका इधर होगा, तो इसके जाहिर सी बात है म्यू जो नेट होगा वो नॉट इक्वल टू 0, कुछ तो होगा म्यू। और ये कह रहा है कि म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, तो ये स्टेटमेंट पहला वाला तो गलत हो गया। सेकंड, थर्ड क्या कह रहा है, बोरान ट्राइफ्लोराइड। ओके, बोरान ट्राइफ्लोराइड क्या होगा, BF3, ये हो गया BF3, तो ये हो गया F, F और F। क्लियर? इसका डायपोल मोमेंट ये होगा, इसका इधर होगा और इसका इधर होगा, इन दोनों का जो नेट होगा वो इधर होगा, और ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को नलीफाई कर लेंगे, ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, इसलिए वैसे इसका म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ये तो सही होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, क्लियर, इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा बेटा, कुछ तो होगा, तो इसके लिए म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो ये भी इसके लिए भी म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड चेक करते हैं, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड क्या होगा, NF3, ये लोन पेयर, ये हो गया F, F एंड F। क्लियर? इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका इधर होगा। क्लियर? समझ में आया? तो इसकी जो म्यू नेट की वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी। क्लियर? तो इसकी भी 0 नहीं होगी, तो ये भी गलत हो गया। नाउ नेक्स्ट चेक करते हैं, बोरान ट्राइफ्लोराइड, बेरियम डाइफ्लोराइड। अब बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसका म्यू तो 0 हो ही गया, तो ये तो हमने देख ही लिया था। सेकंड चेक करते हैं, बेरियम डाइफ्लोराइड। बेरियम डाइफ्लोराइड क्या होगा, ये फ्लोरीन यहाँ होगा एंड देन फ्लोरीन यहाँ होगा। अगर बात करेंगे डायपोल मोमेंट की, तो इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा और इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा, क्या होगा, दोनों एक दूसरे को नलीफाई करेंगे और म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर? आपको पता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होगा, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें भी देखो क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट इधर और ये इधर, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर लेंगे, तो इसके लिए भी म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, अनदर इज द 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। ये हो गया 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, ये हो गया Cl और ये हो गया Cl। ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा और इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा, दोनों एक दूसरे को नलीफाई करेंगे और नलीफाई करेंगे तो यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फोर्थ जो केस है, इसमें सारे क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, इस वजह से आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज दैट Which of the following diatomic molecule species has only pi bonds according to molecular orbital theory? ठीक है, कह रहा है कि कौन से ऐसी स्पीसीज है जिसमें केवल पाई बॉन्ड है। ओके, तो देखते हैं। देखो बेटा, ये जो बेरिलियम Be2 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको पता होगा, 4 होता है, तो ये हो जाएगा 8। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो Be2 का होगा 1s2, 1s star, 1s2, ये हो जाएगा 2s2, और इसके बाद होगा बेटा आपका क्या, 2 star s2। क्लियर? ओके, अब देखो,
अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, तो Be2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, देखो इसका क्या हो जाए, 16 होगा, O2 के लिए होगा 1s2, 1s2 स्टार, देन ये हो जाएगा 2s2, उसके बाद होगा 2s2 स्टार, उसके बाद क्या होगा 2p x, इसके अलावा होगा 2py, इसके बाद होगा आपका 2p स्टार x, उसके बाद होगा आपका 2 स्टार py, और लास्ट में होगा क्या 2pz, और फिर होगा आपका 2p स्टार z। क्लियर, यही तो होगा। अभी होगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। क्लियर, ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसका जब बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो वो कितना आएगा, वो 2 आएगा। क्लियर, अगर इसका हम क्या करें, मॉलिकुलर ऑर्बिटल वो बनाएं, तो आपको पता है इसमें क्या होगा, 2 स्प्लिटेड होंगे, एक T2G एक EG वाले ऑर्बिटल जो होंगे ये होगा, ये पाई वाले ऑर्बिटल हो गए, ये क्या होगा आपका PX स्टार PY स्टार, और ये होगा PZ स्टार। क्लियर, क्लियर, आपको हम यहां से बताते हैं, देखो कैसे होगा। नाइट्रोजन का जो N2 वाला कॉन्फ़िगरेशन है, इस केस में अगर इसका हम निकालेंगे तो नाइट्रोजन के केस में जो होगा वो होगा, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 3 आएगा, और जब बॉन्ड ऑर्डर आप 3 निकालोगे तो ये ऐसे होगा। इसमें देखो कि बेटा ये जो दो बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है, ये पाई बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये सिग्मा बॉन्ड है, तो इस केस में भी नहीं होगा। बात करते हैं C2 के केस में, तो C2 के केस में देखो क्या होगा, अगर इसका बॉन्ड, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो क्या होगा, वो 12 होगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन कार्बन है, तो C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, ये हो जाएगा 1s2, उसके बाद 1 स्टार s2, इसके बाद होगा 2s2 2 स्टार s2, और इसके बाद हो जाएगा क्या आपका 2px इक्वल टू 2py। यही तो होगा, 2 यहाँ पे होगा और 2 यहाँ, ठीक है। अगर बेटा हम इसकी बॉन्डिंग की बात करें तो इसके जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2 होगा। कैसे होगा, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देख लो 2 2 4 2 6 2 8, 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4 4 हो गए, ये हो जाएगा 4/2, मतलब 2 हो गया। क्लियर, अब मतलब इनके बीच जो डबल बॉन्ड है वो यही है, ठीक है। अब आता है कि ये डबल, दोनों डबल बॉन्ड कैसे हैं, तो देखो अगर ये 2 डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसमें कितने, 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और देखो बेटा अगर 4 इलेक्ट्रॉन तुम देखोगे तो दोनों ये चारों इलेक्ट्रॉन इस पी ऑर्बिटल से हैं, और आपको पता है जो पी ऑर्बिटल होते हैं ये क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, इसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो इन्हीं पी ऑर्बिटलों के ओवरलैपिंग से बने, इसी वजह से ये दोनों जो बॉन्ड है वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, ओके। इस वजह से C2 में क्या होता है, पाई बॉन्ड केवल पाया जाएगा, ना कि कोई और बॉन्ड, ओके। नाउ अनदर क्वेश्चन इज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब होता है, देखो जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके पास होगा, जिस स्पीसीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे। क्लियर, और डायमैग्नेटिक किसको कहते हैं, डायमैग्नेटिक कहते हैं बेटा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा वो डायमैग्नेटिक होगा, ओके। अब एक चीज आप यहां पे हम बता देते हैं आपको, जो आपका जो केमिकल बॉन्डिंग वाले स्ट्रक्चर में है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में एक चीज मैं आपको बता देता हूं, उसको आप याद रखोगे चीजें आसानी से हो जाएंगे। पहला, अगर अगर इवन इलेक्ट्रॉन आपको दिखे, ठीक है, अगर उस स्पीसीज के पास इवन इलेक्ट्रॉन दिखे तो उस केस में क्या होगा, वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट दो चीजों को छोड़ के, अगर आपको दिखता है 10 इलेक्ट्रॉन या फिर 16 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं तो इस केस में ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर,
बाकी अगर ऑड है मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, वो बेटा पैरा मैग्नेटिक ही होगा। क्लियर, इतनी बात समझ गया आप? मतलब इवन इलेक्ट्रॉन दिखे तो डायटॉमिक होगा और ऑड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा मैग्नेटिक। बस इवन में दो एक्सेप्शन है आपके, वो एक्सेप्शन है कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन दिखता है या फिर 16 इलेक्ट्रॉन दिखता है, इन दोनों के केस में भी वो पैरा मैग्नेटिक होगा ना कि डायमैग्नेटिक। अब चेक करते हैं नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 14। 14 तो मतलब ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि क्या है, इवन है। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है इवन है होगा। लिथियम Li2, लिथियम के पास कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, इवन है डायमैग्नेटिक। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन, होना तो चाहिए डायमैग्नेटिक, पर ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। अभी बताया या तो 16 इलेक्ट्रॉन हो या 10 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक। तो आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। इसका जनरलाइज रूल ये नहीं है बेटा, जब अगर आप इसकी फिलिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट में जो 2p 2p ऑर्बिटल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है। इसी वजह से क्या होते हैं, इसके पास कितने अन इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे याद रखो। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो आप, 1s2, 1s स्टार, ये हो गया 2s2, 2 स्टार s2, 2px इक्वल टू 2py, इसके बाद होगा बेटा 2pz, देन होगा आपका 2 स्टार px इक्वल टू 2 स्टार py, और ये होगा 2 स्टार pz। क्लियर, अब इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करो आप। तो देखो ये होगा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये हो जाएगा 10, 2, 12, 2, 14। अब दो बचे तो एक यहां पे आएगा और दूसरा यहां पे आएगा, ठीक है। दोनों एंटी बॉन्डिंग में आएंगे, इसी वजह से क्या होगा बेटा, देखो एक और इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक और इलेक्ट्रॉन, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से क्या है आपका पैरामैग्नेटिक है। तो ये आप ऐसे करो या जो मैंने तरीका आपको बताया है उससे करो तो भी क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो देखो आप, जो डायपोल मोमेंट होता है ये होता है रूट का क्यू इंटू डी, यही तो होता है। क्यू क्या है, चार्ज, और डी क्या है, इनके बीच की सेपरेशन, ठीक है। अब देखो आप, अगर वाटर और NF3 में देखें, और NH3, देखो जो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा वो वाटर का होगा। रीजन क्या है कि देखो, जब वाटर का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये वी शेप्ड बनता है, ये तो बनता है, और इसके तो दो लोन पेयर हैं, ये दो लोन पेयर पाए जाएंगे, इसका भी अट्रैक्शन इधर भी होगा और ये इधर ही होगा, और ये दोनों क्या होंगे, दोनों यूनाइट होके ओवरऑल इधर आता है, तो सबसे ज्यादा वाटर का होगा। अब बात करते हैं अमोनिया और NH3 में, तो अमोनिया का देखो ये होगा, ये स्ट्रक्चर होता है H H H, और ये हो गया आपका लोन पेयर। क्लियर, NF3 की बात करते हैं, F F F, और ये हो गया आपका लोन पेयर, यही तो होगा। अब देखो डायपोल मोमेंट इन दोनों का देखो, तो हाइड्रोजन का इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, और इसका भी इधर होगा, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होगा वो इधर होगा। क्लियर, लेकिन इस केस में क्या होगा, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, और इसका इधर, तो इसका जो म्यू नेट होगा वो जाहिर सी बात है ज्यादा होगा इसके कंपेयर में। क्लियर, और जब इसका म्यू नेट ज्यादा होगा तो NH3 का ज्यादा होगा NF3 से, और BF3 के केस में बेटा हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये क्या होते हैं, 120 डिग्री पे होंगे, इसका जो रिजल्टेंट है वो इधर आएगा और ये दोनों एक दूसरे को न्यूलिफाई कर लेंगे, तो इसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा वाटर, देन अमोनिया, देन NF3, देन BF3, तो आंसर होगा आपका बी, बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज, ये स्पीसीज दिए गए हैं और पूछ रहा है कि विच ऑफ द हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, किसके पास बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। क्लियर, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर के लिए अभी हमने डिस्कस करा हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यही तो हमने डिस्कस करा, पर ये फार्मूला आप रहने दो, एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ वो कैसे आपको अप्लाई करना है। वो फार्मूला ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए तो फिर आप बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो। कैसे, अगर जिस स्पीसीज के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 14 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14, तो उस केस में उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है,
तीन बॉन्ड ऑर्डर होगा। क्लियर? ये आपको याद रखना है कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन है किसी भी स्पीसीज के पास तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तीन होगा। क्लियर? अब देखो, अब इससे वेरिएशन क्या है, अगर इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 15 तो ये कितना हो जाएगा, इसको 2.5 मतलब 0.5 ये कम हो जाएगा। अगर ये कम होगा मतलब कितना होगा, 13 इलेक्ट्रॉन होगा तो भी इस केस में भी यही रहेगा। क्लियर? अगर ये कितना होता है, 16 होता है तो भी ये 0.5 कम होगा, 2 हो जाएगा, और ये 12 होगा तो भी ये 0.5 कम हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 17, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5। अगर ये कम होगा 11 होगा तभी ये 1.5। ओके, अगर ये 18 हो जाता है तो इस केस में ये कितना हो जाएगा, 1, और 10 के केस में भी ये हो जाएगा 1। क्लियर? आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इतना अगर आप याद रखते हो तो आपके बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए आपके 14 तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, अगर उसके अलावा इस 14 से एक ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतने में पॉइंट कम करते जाएंगे, या फिर एक कम होता जाएगा तो उतने में भी पॉइंट कम करते जाएंगे। मतलब 15 होगा तो 2.5, या एक कम होगा तो भी 2.5। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो आपको एक कम करना पड़ेगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को कम तो आपको एक कम करना पड़ेगा। इसी तरह 3 होगा तो 1.5, 11 होगा तो 1.5, 18 होगा तो 1, और 10 होगा तो 1। बस ये ऑर्डर आप याद कर लो, इसको क्या करना है, रिमाइंड करना है आपको, बस इतना याद कर लो आप। उसके बाद देखना बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन कैसे इतनी आसानी से होते हैं, हर बार आपको ये फार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। ओके, नाउ डिस्कस। अब आता है CN+, इसका अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना, कार्बन के पास कितने हैं, 6, और नाइट्रोजन के पास भी कितने हैं, 6, टोटल कितने हो गए, 12। जब 12 इलेक्ट्रॉन हो गए तो CN+ के पास जब 12 हो गए तो बेटा 12 के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए, 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2। CN इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा 13 इलेक्ट्रॉन, और 13 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 13 में बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। ये तो हुआ, इसका देखते हैं इसके पास कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। इसके केस में हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 और 7, 15 इलेक्ट्रॉन, और 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कितना, 2.5। क्लियर? तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, आपको क्वेश्चन से ही पता चल गया इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इसको आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर आपके नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इतने ही रेंज से आपके सारे क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर के हो जाने। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इन द स्ट्रक्चर ऑफ Cl(F3) द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। Cl(F3) का स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको पता है Cl क्या है, 7th ग्रुप का है, तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये हो गया 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। क्लियर? अब क्या कह रहे हैं, अब इसकी रिएक्शन F3 से करा रहे हो, तो मान लो ये एक F यहाँ होगा, एक F यहाँ होगा, और एक F यहाँ होगा। क्लियर? यही तो होगा। अब लोन पेयर, एक लोन पेयर ये बचा और एक लोन पेयर ये बचा। क्लियर? तो इसके पास कितने लोन पेयर हैं, तो देखो 2 लोन पेयर हैं, तो आंसर कौन सा होगा, बी, 2 लोन पेयर इसमें पाए जाएंगे। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। ठीक है, ये कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सभी क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल है। बेटा ये नीट 2018 में क्वेश्चन आया था, और ये जो क्वेश्चन था ये क्या था बेटा, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, तो ये आपका बोनस क्वेश्चन है। ओके, ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन, ये बोनस है, इसमें कोई भी सही नहीं था आपका, ये बोनस क्वेश्चन था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज। कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज है जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। बेटा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री उसका होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2 हो, और नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं हो, तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, 120 डिग्री होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं Cl(F3) का, Cl(F3) का ये निकालोगे, ये हो जाएगा एफ एफ और एक एफ हो जाएगा। बेटा यहां मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा, वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर से आप बहुत आसानी से निकाल लोगे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, अगर इसमें देखो तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1, 2, 3, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, लोन पेयर कितना हो गया, 1 और 2, 2 हो गया लोन पेयर, टोटल की इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 5, और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन की पेयर की वैल्यू 5 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। क्लियर, इसका चेक करते हैं, अमोनिया
सॉरी अमोनिया नहीं, NCl3, ये हो गया Cl, Cl, Cl और एक हो गया लोन पेयर, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, एक दो तीन, तीन हो गया बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना हो गया एक, टोटल कितना हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू चार, हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका sp3। बात करते हैं BCl3 केस में, बोरान ये हो गया क्या Cl, Cl और ये Cl, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें काउंट करो, बॉन्ड पेयर कितने हैं तीन, लोन पेयर एक भी नहीं, तो ये हो गया तीन, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, और हाइब्रिडेशन sp2, कोई भी लोन पेयर नहीं, तो हाइब्रिड एंगल क्या होगा 120 डिग्री, तो आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। ओके नाउ अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर देखना है, याद करो वही 6 14, उसके अलावा जो 15, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 16, 12, 17, 11, 18 एंड 10, क्लियर। आपको पता है 14 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3, ये होगा 2.5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 1। ये मैं बार बार इसलिए नोट डाउन कर रहा हूँ कि आपको ये रिमाइंड हो जाए। ओके तो शुरू करते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने हैं 16 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने हो जाएंगे और 7 एंड 7, इसके पास 14, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 और एनओ प्लस का हो जाएगा 3, ठीक है। तो क्या इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, नहीं, तो ये गलत है। इसका चेक करते हैं, साइनाइड कार्बन का कितना हो जाएगा 6 और नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 7 और एक ये 8, तो कितना हो जाएगा 14। इसके केस में देखो 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, तो दोनों का 14 14 मतलब तीन बॉन्ड ऑर्डर इसका भी होगा और तीन बॉन्ड ऑर्डर इसका भी होगा, क्लियर। तो दोनों का सेम है तो आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। ओके बाकी बाकी भी चेक कर लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14, इसका कितना हो जाएगा 15, 14 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका 2.5, क्लियर। देख लो अगर आप इसको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के पर्पज से करोगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करोगे, तो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा, पर इस केस में क्या होगा, बहुत आसानी से कर लोगे। ओके तो आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो द प्रेजेंस ऑफ इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो बात कर रहा है, मतलब विद इन द मॉलिक्यूलो, ठीक है। तो देखो बेटा जो H2O2 है, HCN, इवन एस्टिक एसिड, ये सभी क्या होते हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, क्लियर। ये तीनों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। जो सेलुलोज होता है आपको पता है ये क्या होता है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूलों के बीच में क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो आंसर कौन सा होगा, सी, जो सेलुलोज होता है इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन, इसका इसका और इसका पूछ रहे हैं, तो बस सीधा सीधा फिगर आउट करते हैं, एनओ टू, एन डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, ये हो गया। अगर इसका देखो इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो इसके पास बॉन्ड पेयर कितना है, एक बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, सॉरी sp, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 2 है। नेक्स्ट चेक करते हैं NO3, NO3 के केस में क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन याद करो 5 हो गया, एक निगेटिव है तो एक और हो गया, अब इस पर ऑक्सीजन कॉम्बो कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन, इधर हो गया ऑक्सीजन और इधर हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। हाइब्रिडेशन निकालते हैं, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3, तीन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर की वैल्यू 0, तो कितना हो जाएगा हाइड्रेशन sp2। ओके इसका sp2, NH4 का देखते हैं, NH4 का ये होता है H H H H, और यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लियर, ये तो होता है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, चार हो गए बॉन्ड पेयर, लोन पेयर की वैल्यू 0, तो ये हो गया 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। तो फर्स्ट का होगा sp, देन सेकंड का sp2 और थर्ड का होगा sp3, तो आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। ओके नाउ अनदर क्वेश्चन चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, कह रहा है कि कौन जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा और आइसो स्ट्रक्चरल, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पहले बेटा हाइब्रिडाइजेशन हमें आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे तब हम उसको बाद इलेक्ट्रॉन चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट चेक कर रहे हैं कार्बोनेट और नाइट्राइट की, क्लियर।
अब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है कार्बोनेट का, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये होगा कुछ यूं, एक ऑक्सीजन इधर होगा और एक ऑक्सीजन इधर होगा, माइनस इधर होगा, ठीक है, क्लियर, ये होगा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या होगा, वो मिलेगा आपको sp3, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे, एक दो तीन, सॉरी sp2 होगा ना कि sp3, क्लियर, तीन हो गया और कोई भी लोन पेयर नहीं, तो sp2 हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं NO3 के केस में, तो इसके केस में भी वही होगा, ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर और ये डबल बॉन्ड इधर, यही तो होगा, तो इस केस में भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, क्लियर। अब देखो जब दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, यही तो होगा, और इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। अब चेक कर लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास 6, उसके बाद कितना ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, ये 24 और दो निगेटिव है तो दो, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6 to 8 और 8 4, ये हो जाएगा टोटल 32 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। इसमें चेक करते हैं नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास कितने होंगे 24 और इसके पास कितना है, एक और हो गया तो ये हो गया, टोटल कितने हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन भी सेम है और इनका शेप भी सेम है, तो आंसर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर। बाकी और भी चेक कर लेते हैं, ClO3 माइनस का निकालते हैं, ClO3 में होगा Cl, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होते हैं, एक माइनस आ गया तो 8 हो गए, क्लियर। अब क्या होगा O3, मतलब तीन ऑक्सीजन होंगे, दो और ये हो गया 3, क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू होगी, तीन आपके बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, ठीक है। देखो अगर ये डबल बॉन्ड दिखता है ना तो भी बेटा ये क्या होगा, हम इसको एक ही बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं, ठीक है, तो तीन बॉन्ड पेयर हो गया, एक लोन पेयर हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये वैल्यू 4 आ गई, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, ओके। दूसरा है CO3 2 माइनस, अभी CO3 2 माइनस का हमने निकाला, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2, ठीक है। जब हाइब्रिडाइजेशन अलग है तो बेटा जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर अलग होगा, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं SO3 NO3 माइनस में, SO3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ये हो गया सल्फर, इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो माइनस चार्ज आ गया तो दो इलेक्ट्रॉन और हो गए, ठीक है। अब तीन ऑक्सीजन है तो ये बेटा ये हो गया ऑक्सीजन, ये दो और ये तीन, टोटल हो गए। अब देखो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू, तीन बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, क्लियर। और sp3 हो गया, अब sp3 में इसका जो शेप होगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, ये ट्राइगोनल पिरामिडल है। दूसरा NO3 का अभी हमने निकाला था बेटा, देखो NO3 का क्या था हाइब्रिडाइजेशन, sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर था, ट्राइगोनल प्लेनर होने के वजह से, और ये ट्राइगोनल पिरामिडल, इन दोनों का शेप अलग है, इस वजह से ये भी गलत होंगे, ये भी नहीं होगा। अब इसका चेक करते हैं, तो देखो बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी निकाला था क्या था, sp3 और एक लोन पेयर था, शेप क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, और इसका भी सेम है, सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सेम शेप है, तो दोनों का आइसो स्ट्रक्चर तो हो गया। अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो क्लोरीन कितना होगा 17, ये 24 प्लस 1, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, चल 12 2 1 3 42 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। इसका चेक करते हैं SO3 का, सल्फर का 16, इसका 24 और ये हो जाएगा 1 सॉरी 2, तो इसका भी करेंगे तो 42 आएगा, क्लियर। तो इसके भी 42 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 42 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं, शेप भी सेम है आइसो स्ट्रक्चर में, तो आंसर कौन सा होगा, डी, क्लियर। तो इसमें ए भी सही है और डी भी सही, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट जियोमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XCO4। XCO4 जेनायन आपको पता है 8 ग्रुप का है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, फ्लोरीन, फ्लोरीन को सेटिस्फाई करना है, एक बॉन्ड ये फ्लोरीन यहाँ बना लेगा, एक बॉन्ड फ्लोरीन यहाँ बना लेगा और एक बॉन्ड फ्लोरीन यहाँ बना लेगा, और ये बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो देखो कितने बॉन्ड पेयर हैं, 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर है, तो ये इसका हो जाएगा 6 और 6 हो जाएगा, तो इसका एडवर्टाइजमेंट होगा sp3d2, क्लियर। sp3d2 है, 2 लोन पेयर हैं, तो जो इसका शेप होगा वो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, ये तो शेप होता है, क्लियर। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 और शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, तो आंसर कौन सा होगा, डी, ठीक है। पर बेटा ये डी नहीं होगा, ये ध्यान दो आप, क्यों डी नहीं होगा,
एक्चुअली ये जियोमेट्री पूछा है, ठीक है। और ये जो हो, जो मैं बताया स्क्वायर प्लेनर, ये होता है आपका क्या शेप, ना कि जियोमेट्री। तो उसकी जो जियोमेट्री होगी वो तो ऑक्टा हेड्रल ही रहेगी और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। तो स्क्वायर प्लेनर वाला आंसर सही नहीं होगा, इसका होगा ए, ऑक्टा हेड्रल एंड sp3d2 होगा, ठीक है। जियोमेट्री बात करें तब तो बेटा आपको वही बताना पड़ेगा जो उसकी एक्चुअल जियोमेट्री होती है। अगर शेप की बात करेंगे देन उस केस में स्क्वायर प्लेनर वाला सही होगा, ठीक है। इस केस में काफी लोगों के बीच कॉन्ट्रोवर्सी है, बट बेटा यहाँ जो जियोमेट्री है इसको ध्यान देना है आपको कि ये क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अमंग द फॉलोइंग विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट, कह रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है। कह रहा है pH 5 एंड BCl 5 डू नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही है, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका रीजन बेटा जब हम आपको पढ़ाएंगे आपका फिफ्थ ग्रुप तो उसका हम डिस्कस कर देंगे, पर इतना जान लो कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, SO2 में पी पाई डी पाई बॉन्ड है, बिल्कुल सल्फर आपका पता है, ये जो डबल बॉन्ड इसमें जो बन रहा है, ऑक्सीजन का पी पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है और इसका डी ऑर्बिटल करता है, तो इनके बीच जो पाई बॉन्ड बनता है वो पी पाई डी पाई बॉन्ड बनता है, तो ये बात भी सही है। तीसरा कह रहा है SeF4 और CH4F सेम से, चेक कर लेते हैं। SeF4 का जब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो वो किसी यूं होगा बेटा आपका, ये हो गया फ्लोरीन 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 और यहाँ पे हो गया लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन जब निकालोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। कैसे, इलेक्ट्रॉन पेयर में चार बॉन्ड पेयर हो गए, 1 2 3 4, और लोन पेयर कितना हो गया एक, तो इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू हो गई 5, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 5 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन ये होता है। अब शेप क्या होगा, शेप निकालोगे तो बेटा इसका होगा के शेप्ड, या इसको हम क्या कहते हैं सी सा शेप्ड, ठीक है, ये सी सा शेप्ड होता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है मीथेन, मीथेन का निकालोगे सीधा सीधा मीथेन ये हो गई, ये क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और शेप क्या होगा टेट्राहेड्रल, तो दोनों का शेप अलग है हाइब्रिडाइजेशन अलग है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है। I3+ है बेंड जियोमेट्री, इसको भी देख लेते हैं, आयोडीन प्लस में है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ही होंगे, और ये क्या होगा, 2 क्या करेंगे इससे बाइंड अप हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 हमने मान लिया कि एक आयोडीन इधर है एक आयोडीन इधर है, ठीक है। अब देखो इसके पास लोन पेयर कितने बचे, 2 लोन पेयर हैं और क्या है 2 बॉन्ड पेयर है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, से क्या हो जाएगा 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, और जब हाइड्रेशन sp3 हो लोन पेयर हो तो शेप क्या होता है बेंट होता है, क्लियर, तो इसका बेंट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंसीडर द मॉलिक्यूल CH4 NH3H2 व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। कह रहा है कि इनमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कह रहा है HOH बॉन्ड एंगल इन H2O, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज स्मॉलर देन HNH बॉन्ड एंगल इन NH3, ठीक है। ये कह रहा है कि जो वाटर का जो बॉन्ड एंगल है HOH का, ये क्या होता है कम होता है अमोनिया के NH बॉन्ड से, क्लियर, तो सही है। देखो जो अमोनिया में NHH बॉन्ड होता है ये होता है आपका 107 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना होता है 105 डिग्री, ठीक है, तो बताओ ये कम ही है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या कह रहा है कि HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 इज लार्जर देन HNN बॉन्ड एंगल इन अमोनिया, बिल्कुल। देखो जो मीथेन होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा HCH के बीच में वो होता है बेटा कितना 109 डिग्री 28 मिनट, यही तो होता है, तो जाहिर सी बात है अमोनिया से ज्यादा है, इस वजह से ये सही है। थर्ड क्या कह रहा है HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 इज द NH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया एंड HOH बॉन्ड एंगल इज H2O आर ऑल ग्रेटर देन 90, सही है, सभी देखो इसमें 105 डिग्री है, इसमें 160 डिग्री है, इसमें 109 डिग्री है, सभी 90 से ज्यादा है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है डी में, द HOH बॉन्ड एंगल इज H2O इज लार्जर देन द HCH बॉन्ड एंगल इन CH4, गलत है, ये बेटा 109 डिग्री है और ये 105 डिग्री, ये वैल्यू कम है इसके कंपेयर में, जबकि ये अपोजिट कह रहा है, तो आंसर कौन सा होगा डी, यही गलत है, बाकी सब सही है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रेडिक्ट द अमंग द ऑर्डर, बेटा ये ऑर्डर एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है, आपको याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्सन होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, तो आंसर कौन सा होगा? सी द राइट आंसर, इसको आपको रिमाइंड करके रखना है। ओके okay?